हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंबुज स्टडी क्लासेस पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। डेली की तरह आज हम सभी लोग करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। आज हम किस दिन की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आप लोग देखिएगा, 9 नवंबर की। किस दिन की? 9 नवंबर की करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कापी पेन लेकर के नोट डाउन करते रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप सभी की बहुत ही हेल्प करेंगे। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ते रहिए, ठीक है, और नोट भी करते रहिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है। इसके पहले वीडियो में आपको मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया था, तो इस टाइम उसके उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस है, कमला हैरिस है, विलियम हेनरी, जॉन एफ कैनेडी। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेडी वेंस। क्या हो जाएगा? जेडी वेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बैंक के साथ उत्तराखंड में जलापूर्ति के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने मिलियन डॉलर? $200 मिलियन पे, ठीक है, $200 मिलियन, ये सब ध्यान रखिएगा। तो कितने किया है? विश्व बैंक ने किया है, एशियाई विकास बैंक ने किया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात पहुंच गया है, कितने कितना पहुंच गया है? 4.64%, 5.64%, 6.64%, 9.64%। तो कितना आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.64%, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, दुनिया पूर्व औद्योगिक समय में 3:1 तापमान की ओर अग्रसर है, जो पेरिस समझौता 2015 के लक्ष्य में कितने गुना हो गया है? पूछ रहा है कि कितने गुना हो जाएगा 2015 की अपेक्षा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना या फिर 5 गुना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत की रक्षा निर्यात में पिछले 10 वर्षों में कितने गुना से अधिक की वृद्धि हुई है? कितने वर्षों में? 10 वर्षों की बात कर रहा हूँ। तो आपका कितने वर्ष राइट आंसर क्या होगा? 30 गुना, 40 गुना, 60 गुना या फिर 70 गुना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 गुना, ठीक है, कितने हो जाएगा? 30 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए भारत की पहली रियल टाइम बैंकिंग शुरू की है? तो किसने की? HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने, SBI बैंक ने, IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FCI में कितने रुपए की कार्यशील पूंजी डालने को मंजूरी दी है? तो कितने रुपए की मंजूरी दी है बताइए? 7,000 करोड़, 1,000 करोड़ या फिर 10,000 करोड़, 10,700 करोड़। तो कितने रुपए की मंजूरी दी है? 10,700 करोड़, ठीक है, 10,700 करोड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसको बढ़ावा देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो कौन सा आपका सही आंसर है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा या बालिका शिक्षा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 8,
भारतीय नौसेना के प्रमुख पहल महासागर वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? कितनी बार आयोजित की जाती है? एक बार या फिर दो बार या फिर तीन बार या फिर चार बार? तो कितनी बार आयोजित की जाती है? दो बार। नौसेना की प्रमुख पहल महासागर कितनी बार आयोजित की जाती है? वर्ष में दो बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का। देखिए, वर्तमान में भारत के 6 से 23 माह के कितने प्रतिशत बच्चों को WHO द्वारा सुझाया गया पोषक आहार नहीं मिल पाया है? कितनी नहीं, किसको नहीं, कितने प्रतिशत नहीं मिला? 30% को, 40% को, 57% को, 77% को? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77% बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल पाया। ये ध्यान रखिएगा नहीं शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत दुनिया में सर्वाधिक काम प्रति सप्ताह 46.7 घंटे कार्य करने वाले देश में किस किस स्थान पर है? 13वें स्थान पे है या फिर 15वें स्थान पे है, 11वें स्थान पे है या 33वें स्थान पे है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें स्थान पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 55वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा? 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, किसने, फिल्म महोत्सव की बात हो रही है, तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में या हरियाणा में या फिर गोवा में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य में बांधवगढ़ नेशनल पार्क 10 हाथियों की मौत हो गई है? एक नेशनल पार्क है बांधवगढ़, वहां पे 10 हाथियों की हाल ही में जल्दी मौत हो गई है, तो कहाँ पे है? असम, मेघालय में, राजस्थान में ही या फिर मध्य प्रदेश में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14। उद्योग रिपोर्ट के अनुसार भारत में कॉस्मेटिक बाजार 2023 में कितने अरब डॉलर था? कॉस्मेटिक बाजार की बात हो रही है, यहाँ पे ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा, कि मेन पॉइंट जो शब्द है उसको ध्यान रखिएगा। 5.1 बिलियन डॉलर, 6.1 बिलियन डॉलर या फिर 7.1 बिलियन डॉलर या फिर 8.8 मिलियन डॉलर, 8.1 मिलियन डॉलर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.1 मिलियन डॉलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान से देखिए। वित्त वर्षों में 2023-24 के प्रत्यक्ष कर राजस्व में सर्वाधिक भागीदारी किस राज्य की है? किसकी है? दिल्ली की है, उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, कर्नाटक की है? तो आपका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।